गाजीपुर से मोहम्मद इसरार, पत्रकार की रिपोर्ट। प्रिंसिपल अपने ही सहायक अध्यापिका को करता है प्रताड़ित। खबर उत्तर प्रदेश गाजीपुर जनपद के सैदपुर ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय चिकताग से है, जहां एक प्रिंसिपल रामाकांत यादव अपने ही सहायक अध्यापिका आकांक्षा श्रीवास्तव को प्रताड़ित करता है। प्रधानाध्यापक की सैदपुर बीआरसी से ऐसी मिलीभगत निकल कर सामने आती है, जिसको देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि गरीब अभिभावकों के बच्चों का भविष्य इन प्राथमिक विद्यालयों में किसी भी तरीके से उज्ज्वल नहीं है। प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक बच्चों के सामने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाते हैं और वही एक दूसरे की कमियों को उजागर करते हैं। अध्यापिका द्वारा प्रधानाध्यापक पर आरोप लगाया जाता है कि प्रधानाध्यापक उसको प्रताड़ित करता है, गुंडे बुलाता है। वह पूरे अप्रैल के महीने में 2 तारीखों 9 व 14 अप्रैल को छोड़कर पूरे महीने गैरहाजिर रहता है, उसके बावजूद प्रेजेंट बना देता है। और एक शिक्षा मित्र जो काफी लंबे समय से विद्यालय नहीं आती है, परंतु उसका भी प्रेजेंट बनाया जाता है। इस तथ्य की पुष्टि प्रधानाध्यापक द्वारा खुद की जाती है। यह सारी बातें सब लोग एक साथ मिलकर के करते हैं। 8 महीने का इनको सर अभी नहीं मिला है इनका। 11 महीने एब्सेंट रही है इसी विद्यालय। हम झूठ बोल रहे हैं सर। एडप्ट किए थे, मेरी शादी होने वाली थी, मैंने 8 महीने का मेडिकल दिया क्योंकि इन्होंने गुंडे गुंडे बनवा सर अभी बुलाते हैं। 2 महीने बाद मेरी शादी होने वाली थी, इन्होंने मेडिकल पे नहीं, मेडिकल के बीच में सर इन्होंने शादी किया। कैसे हो सकता है सर? अच्छा, विद्यालय में तंग किया था इन्होंने मुझे। हम तंग करते हैं सर। किस वजह से तंग किया था आपको? नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ ज्वाइन करूँ, मुझे ज्वाइन नहीं करने दे रहे थे। मैं सबको गुंडे लोगों को बुला के मुझे इतना परेशान किया, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। फिर 2 महीने बाद मेरी शादी फिक्स की गई जल्दी जल्दी की इसकी शादी। तो गुंडे बुलाने का क्या मतलब था सर? गुंडे बुला के हमको परेशान करना था कि हम यहाँ से चले जाएं। तो क्या ये आपको ज्वाइन नहीं करवाना चाहते थे? बोलते थे मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कराने दूंगा, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम रमाकांत यादव। ये आपके यहाँ क्या है? हेडमास्टर। आपका विद्यालय का पूरा नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय चकताज। कहाँ पे स्थित है ये? सैदपुर ब्लॉक में स्थित है। बीआरसी कौन सा है आपका? आपके बीओ कौन है? मेरे बीओ राजेश सिंह है। राजेश सिंह है। राजेश सिंह जी, देख लीजिए कितनी शर्मनाक स्थितियाँ हैं आपके विद्यालय पे। किस तरीके से प्रिंसिपल और यहाँ के जो सहायक अध्यापक हैं उनमें गुत्थम गुत्थी होती है, रोप प्रत्यारोप जो है किया जाता है। यहाँ बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है? हेमंत राव जी, ये आप भी देख लीजिए। डीएम साहब, आपके लिए भी ये एक बड़ा कंसर्न है। किस तरीके से विद्यालयों में क्या कुछ चल रहा है आजकल? मैं सबको मिला के चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन 10 मिनट लेट पास हो जाता है। किस तरीके से आप मिलाएंगे? पूरी अप्रैल आप एब्सेंट रहेंगे, 2 दिन प्रेजेंट होंगे, आने के बाद आप उसको प्रेजेंट बना देंगे? नहीं सर। आपका एक कलीग बोलता है, आपका एक कलीग बोलते हैं, क्या नाम है मैडम आपका? सॉरी मैडम, क्या नाम है? डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव। आकांक्षा श्रीवास्तव जी जो यहाँ पे अध्यापक हैं, वो सीधे सीधे आप पे आरोप लगा रही हैं कि पूरी अप्रैल आप एब्सेंट रहे हैं, 2 दिन आए हैं। कौन सी तारीख को आए मैडम? 9 तारीख को और 14 तारीख को अप्रैल में आप आए हैं, उसके बावजूद भी पूरे महीने की सैलरी आपने प्रेजेंट बनाने के लिए किस तरीके से ली? सर, हम विद्यालय में उपस्थित तो क्या बीईओ की मदद से लिया आपने, बीआरसी की मदद से लिया आपने? फिर विद्यालय में काम किया, फिर क्या हो गया कि आपकी सहायक अध्यापिका जो आपकी सहकर्मी है, जिनके पास आपके रजिस्टर की फोटो भी अवेलेबल है, फिर क्या वजह थी आपको प्रेजेंट बनाने की? प्रेजेंट सर मैंने काम किया तो सर, शिक्षा मित्र पूरे 1.5 महीने दिल्ली गई थी, पूरे रजिस्टर की मैंने उसकी भी फोटो खींची है, पूरे रजिस्टर की उन्होंने साइन करवाई, शिक्षा मित्र जो यहाँ उसकी पूरी 1.5 महीने ये देखिए कितनी बड़ी बातें ये बोल रहे हैं कि सबके सहमति से एक जो है एक शिक्षा मित्र जो है वो गायब रहता है पूरे 1.5 महीने, उसके बाद भी प्रिंसिपल ये कहते हैं कि सबकी सहमति से 1.5 महीने एब्सेंट होने के बावजूद भी उनकी उपस्थिति लगाई जाती है, और किस तरीके से